नमस्कार। दीपावली का त्यौहार खुशियों का त्यौहार है, सबसे बड़ा हिंदुओं का त्यौहार है। दीपक जलाकर, पटाखे छुड़ाकर और खुशी के साथ नए नए कपड़े पहन के और रंगोली बना के इस तरह से त्यौहार अच्छी तरह से मनाया जाता है। ये 31 कार्तिक की अमावस्या 31 तारीख को ही मनाई जा रही है दीपावली का त्यौहार, क्योंकि 4 बजे से अमावस्या शुरू हो जाएगी, शाम के 4 बजे से। और दूसरे दिन 1 तारीख को 6:15 बजे अमावस्या ख़त्म होगी, लेकिन रात्रि का समय जो है अमावस्या का वो 31 तारीख को होता है। इस हिसाब से हम लोग जो है 31 तारीख को ही दीपावली का त्यौहार मनाएंगे। 1 तारीख को एकम आ जाएगी और 6:15 से एकम शुरू हो जाएगी और दूसरे दिन 2 तारीख को दिन में ख़त्म होगी। तो इस तरह से कई जने जो है वो 1 तारीख को, 2 तारीख को भी वो मना रहे हैं भाई दूज, और 3 तारीख को भी भाई दूज मना रहे हैं। और दूसरा दिन जो होता है सब के मिलने जुलने का होता है, दीपावली के दूसरा दिन जो होता है हम राम राम का बोलते हैं वैसे हिंदू लोग, और सब एक दूसरे से को प्रणाम करने जाते हैं, खुशियां मनाते हैं, एक दूसरे से जो भी मनमुटाव होता है तो ख़त्म हो जाता है, कई दिनों से जो नहीं मिल पाते हैं वो भी मिलते हैं। तो इस तरह से वो दूसरा दिन जो होता है वो मिलने का होता है। तो इस तरह से हम जो है दीपावली का त्यौहार 31 को मनाएंगे, और इसका शुभ समय जो है वैसे तो 6:15 का टाइम भी है, 4 का भी है, लेकिन हम सबसे शुभ समय जो है वो 8:10 से है। तो 8:10 के बाद हम कभी भी लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हैं और इसका ये पूजा करके त्यौहार मना सकते हैं, क्योंकि ये त्यौहार जो है वैसे रात्रि का माना जाता है, इसलिए हम 8:10 के बाद ही इस त्यौहार को मनाएंगे। तो हमारी आपको सबको शुभकामनाएं हैं दीपावली की, और आप खुश रहें और इसी तरह से खुशियां मनाते रहें और मस्त रहें और स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है। नमस्कार।